हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए बीकॉम का एक और चैप्टर लेकर आई हूँ, ओवरहेड्स, जिसमें हम टॉपिक करने वाले हैं मशीन आर रेट। आप 10 ईयर देख लीजिए, मशीन आर रेट में से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, मशीन आर रेट में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टॉपिक पर हम क्या करने वाले हैं, व्हाट इज़ मशीन आर रेट। सबसे पहले हम देखेंगे मशीन आर रेट क्या होता है, आफ्टर दैट फॉर्मेट एंड अपोर्शनमेंट ऑफ डिफरेंट एक्सपेंसेस, इसका फॉर्मेट देखेंगे, और उसके बाद अपोर्शनमेंट ऑफ डिफरेंट एक्सपेंसेस मींस अलग अलग एक्सपेंसेस को आप कैसे अपोर्शन करेंगे, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद इस बेसिस पे हमें क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारा कंटेंट। तो सबसे पहले व्हाट इज मशीन आर रेट, मशीन आर रेट होता क्या है। मशीन आर रेट MHR मींस द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन फॉर 1 आवर, कि आपने जो भी मशीन चलाई है, जो भी मशीन पे आप काम कर रहे हैं, उसकी 1 आवर की कॉस्ट क्या है, इसको मशीन आर रेट कहा जाता है। और मशीन आर रेट जो होता है वो स्पेशली मेनली जो परफॉर्म किया जाता है वो मशीन्स के लिए ही होता है। ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं मशीन आर रेट, इट इज़ मेनली एप्लीकेबल ऑन मशीन्स। ये मेनली जो परफॉर्म किया जाता है मशीन्स पे ही किया जाता है। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेट दैट अ चार्ज इज मेड टू द जॉब फॉर द ओवरहेड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच अ मशीन हैज वर्कड ऑन दैट जॉब। इसी रेट के आधार पर आपसे जो भी चार्ज लिया जाएगा, जैसे हम बाहर मार्केट में जाते हैं तो हमसे हर किसी पर्टिकुलर चीज़ का एक चार्ज लिया जाता है, इसी रेट के आधार पर कि हमारे मशीन ने कितना काम किया है, हमारे जितने भी खर्चे हैं वो कितने हुए हैं, इसी के आधार पर आपसे चार्ज किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें, अगर आप किसी बेकरी शॉप पे केक परचेज करने के लिए जाते हैं, तो जब आप बेकरी शॉप पे केक परचेज करेंगे तो जो बेकर होगा, जो ओनर होगा, वो आपसे हर एक चीज का बिल अलग अलग नहीं लेगा कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा इतना आया था तो आप इतना पार्ट पे कीजिए, मैंने क्रीम इतना यूज किया था तो आप एक केक के हिसाब से इतना पार्ट इसके लिए पे कीजिए, मेरा यहाँ पे रेंट भी जाता है शॉप का तो आप इतना पार्ट पे कीजिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा। वो अलग अलग चीजों को पहले ही ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख लेगा कि मेरा रेंट इतना जाता है, मेरा खर्चा, मेरे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इतनी लग रही है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना है, और उसके हिसाब से एक ओवरऑल खर्चे को वो एक छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देगा, जिसके हिसाब से वो आपको बताएगा कि आपको पर केक के लिए कितने प्राइसेस पे करने हैं। शॉपकीपर ये काम पहले से ही करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसे ना वो आपसे केक के लिए बहुत ज़्यादा पैसे ले सकता है और ना ही वो उसके लिए बहुत कम पैसे ले सकता है, क्योंकि ज़्यादा पैसे लेगा तो उसकी हो सकता है मार्केट वैल्यू ख़राब हो और कम पैसे लेगा तो उसको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो प्री डिसाइड करता है इस रेट को कोई भी प्री डिसाइड करता है। अब ये जो मशीन आर रेट है, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला है फैक्ट्री ओवरहेड फॉर मशीन्स, मींस आपकी फैक्ट्री में जितने भी ओवरहेड्स हुए हैं, जितने भी खर्चे हुए हैं फॉर अ मशीन, किसी भी मशीन, उसको आप डिवाइड करेंगे इफेक्टिव मशीन आवर्स से या फिर नंबर ऑफ मशीन आवर्स से, मींस नंबर ऑफ मशीन आवर्स की कितना मशीन आपके काम करी है। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एक सेपरेट रेट है ये हर मशीन का निकाला जाता है या फिर एक ग्रुप ऑफ सिमिलर मशीन्स का निकाला जाता है, मींस हर मशीन के लिए आप सेपरेट रेट कैलकुलेट करेंगे या फिर सिमिलर मशीन्स के लिए आप एक रेट कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो फॉर्मेट की तरफ देखते हैं, फॉर्मेट आपका क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट। अगर आपको मशीन आर रेट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टैंडिंग या फिर फिक्स चार्जेस, जो आपके फिक्स चार्जेस हैं, उसके बाद हम लिखेंगे रनिंग चार्जेस या फिर वेरिएबल चार्जेस। फिक्स चार्जेस आपको पता है जो फिक्स रहते हैं, वेरिएबल चार्जेस जो चेंज होते रहते हैं। फिक्स चार्जेस आर फिक्स्ड इन नेचर एंड वेरिएबल चार्जेस कीप्स ऑन चेंजिंग। तो फिक्स चार्जेस में क्या क्या आ सकते हैं, सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी आएगी, बिल्डिंग का रेंट आ सकता है आपका, इंश्योर इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग एंड मशीन्स इंश्योरेंस आ सकता है, जनरल ओवरहेड आ सकते हैं, आपके जनरल खर्चे आ सकते हैं, मशीन ऑपरेटर के वेजेस, लाइटनिंग, फॉरमैन सैलरी, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, मींस जो भी आपके फिक्स चार्जेस हैं वो आप सब लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल कर देंगे, जितने भी स्टैंडिंग चार्जेस लिखी हैं सबको ऐड कीजिए। उसके बाद वेरिएबल चार्जेस जो चेंज होते हैं, रनिंग चार्जेस जिसमें डेप्रिसिएशन आप रनिंग चार्जेस में रखते हैं, वेरिएबल चार्जेस में रखते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड पावर, ये इसमें आता है। इसके बाद हम वेरिएबल चार्जेस को भी टोटल कर देंगे। देखिए, स्टैंडिंग चार्जेस को भी आपने टोटल कर लिया है, वेरिएबल चार्जेस को भी आपने टोटल कर लिया है,
है। स्टैंडिंग चार्जेस एंड वेरिएबल चार्जेस दोनों को ही ऐड करके हमारा निकलता है टोटल चार्जेस। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस प्लस टोटल रनिंग चार्जेस इज इक्वल टू टोटल चार्जेस। टोटल चार्जेस निकालने के बाद मशीन आर रेट का फॉर्मूला टोटल चार्जेस जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था इज डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव आवर्स, जो आपके मशीन आवर्स रहे हैं उससे इसको डिवाइड कर दीजिए और क्या आपका मशीन आर रेट आ जाएगा। चलिए तो अब हम देखते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ डिफरेंट एक्सपेंसेस की जो एक्सपेंसेस हैं आपको किन बेसिस पे कैलकुलेट करने हैं। तो आइटम ऑफ एक्सपेंसेस जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो और किस बेसिस पे ये कैलकुलेट होते हैं ये यहाँ पर हम देखते हैं। तो रेंट एंड रेट्स, जो भी रेंट हम पे करते हैं वो किस बेसिस पे होता है, रेशियो ऑफ फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच मशीन, हर एक मशीन ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है उसके बेसिस पे हम रेंट पे करते हैं। इंश्योरेंस अगर देखा जाए तो इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ ईच मशीन, हर एक मशीन की इंश्योर्ड वैल्यू क्या है उसके बेसिस पे हम इंश्योरेंस निकालते हैं। सुपरविजन, सुपरविजन कैसे देखेंगे, एस्टिमेटेड टाइम डिवोटेड बाय द सुपरवाइजर टू ईच मशीन, कि जो सुपरवाइजर है वो हर एक मशीन को लगभग एक एस्टिमेशन के उस पर देखते हैं कि लगभग कितना टाइम वो दे रहा है। उसके बाद लाइटनिंग देखें तो लाइटनिंग दो तरीके से, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स यूज फॉर मशीन्स की, मशीन्स के लिए लाइट पॉइंट्स आपने कितना यूज किया है, और फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच मशीन या फिर हर मशीन ने कितना फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई किया है। लाइटनिंग आपके दो तरीके से निकलेगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स देख लीजिए या फिर फ्लोर एरिया देख लीजिए। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो आप सब जानते ही है, कैपिटल वैल्यू जितने में भी आपने वो मशीन परचेज करी होगी डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, मीन्स जितना वो मशीन चल गई है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स भी ऐसे ही जितने में आपने मशीन परचेस करी है डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स जितना वो चली है। लुब्रिकेटिंग ऑयल या फिर और भी जो कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं उनका कैसे, उनका भी ऐसे ही होगा जैसे कितने की आपने वो वैल्यू थी, कितने का वो परचेज आपने सामान किया है इज डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, उसमें कितना घंटे आपने दिए हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो कंप्यूट द मशीन आर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो रिलेटिंग टू द मशीन एक्स, हमें मशीन आर रेट निकालना है इस इन्फॉर्मेशन से मशीन एक्स का। चलिए तो इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन आपको दी है कॉस्ट ऑफ द मशीन ₹15,000, मशीन की कॉस्ट 15,000 है, मशीन की जो एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ है वो आपको 10 इयर्स दी हुई है। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू का जो यूज़ है हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, तो मशीन की जो स्क्रैप वैल्यू है वो आपको 1,000 रुपीज़ दी है। वर्किंग आवर्स इसके पर एनम, मींस एक साल में जिसने आर्स कंप्लीट किए हैं 1800 आर्स काम किया है। इंश्योरेंस जो भी, ये भी आपका एनुअल है, इंश्योरेंस है आपका ₹500 एनुअल है, पूरे ईयर का है। कॉटन वेस्ट जो है आपका, ये भी पर एनम ₹200 का है। रेंट फॉर द डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट का रेंट, ये भी पर एनम पूरे साल का है ₹1,000। फॉरमैन सैलरी, जो फॉरमैन की सैलरी है ये पर मंथ है ₹2,000 है। लाइटनिंग जो है ये आपकी पर एनम ₹300 है। रिपेयर फॉर द एंटायर लाइफ, रिपेयर पूरी एंटायर मशीन लाइफ में कितना हुआ है, तो ₹5,000 का हुआ है। पावर 20 यूनिट्स एट द रेट 2.50 पर यूनिट, 20 यूनिट्स पावर्स हैं, एक यूनिट के पैसे हैं आपके ₹2.50। नीचे देखते हैं तो मशीन ऑक्यूपाइज 1/5 ऑफ द एरिया एंड फोरमैन डिवोट 1/4 ऑफ हिज टाइम ऑन मशीन एक्स, जो मशीन है वो 1/5 एरिया, टोटल एरिया का 1/5 एरिया कवर कर रही है और जो फोरमैन है उसने अपने टाइम का 1/4 टाइम मशीन एक्स को दिया है। द मशीन हैज 2 points आउट ऑफ टोटल 12 फॉर लाइटनिंग इन द डिपार्टमेंट, मीन्स डिपार्टमेंट के पास जो टोटल लाइटनिंग्स हैं, लाइटनिंग पॉइंट्स हैं वो 12 हैं, जिसमें से ये मशीन 2 लाइटनिंग पॉइंट्स का इस्तेमाल। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। फॉर्मेट हमने आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस, जो आपके फिक्स चार्जेस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट स्टैंडिंग चार्जेस क्या क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है। स्टैंडिंग चार्जेस में सबसे पहले हम लिखेंगे इंश्योरेंस, जो कि आपको एनुअल दिया है पूरे ईयर का। देखिए ये एनुअल है, ये भी एनुअल है, ये भी एनुअल है, सब कुछ आपको एनुअल है, तो आपको पूरा ये जो क्वेश्चन है ये आपको एनुअल में ही करना है, ये जो हम निकाल रहे हैं एनुअल में निकाल रहे हैं। चलिए तो इंश्योरेंस देखते हैं, इंश्योरेंस है आपका गिवन है, ये कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है 500। उसके बाद कॉटन वेस्ट पर एनम है, ये भी गिवन है, इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कॉटन वेस्ट
200 है। इसके बाद रेंट फॉर द डिपार्टमेंट पर एनम है, लेकिन यहाँ पे हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मशीन ऑक्यूपाइज 1/5 ऑफ द एरिया, मशीन जो एरिया ऑक्यूपाई कर रही है वो 1/5 है, तो रेंट ऑफ मशीन एक्स भी 1/5 एरिया के हिसाब से ही आप निकालेंगे। तो रेंट हम देखते हैं जो आपका टोटल रेंट है, टोटल रेंट आपका है ₹1000, ₹1000 है, हमें तो सिर्फ मशीन एक्स का निकालना है, तो मशीन एक्स ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया है वो 1/5 है, तो आप 1/5 के हिसाब से इसको निकालेंगे, 5 × 2 = 7, ये आपका आ जाएगा 200। रेंट के बाद जो आपका आता है वो आता है फॉरमैन्स सैलरी, लेकिन जो फॉरमैन्स सैलरी है पर मंथ है, और हम जो क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहे हैं पर एनम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो फॉरमैन की सैलरी को आप एनम में कन्वर्ट कर दीजिए, फॉरमैन्स सैलरी। फोरमैन की सैलरी में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको और गिवन है कि फोरमैन डिवोट्स 1/4 ऑफ हिज टाइम ऑन मशीन एक्स, मशीन एक्स में जो फोरमैन है सिर्फ वो 1/4 टाइम दे रहा है, तो मशीन एक्स के लिए जो इसको सैलरी मिलेगी उसे आपको 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने इसको 1 ईयर में कन्वर्ट कर दिया है, उसके बाद 1 ईयर फॉर ओनली मशीन एक्स, सिर्फ मशीन एक्स का निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 6000 रुपीज़। चलिए उसके बाद आपका आता है लाइटनिंग पर एनम है, गिवन है, ठीक है, लेकिन लाइटनिंग में भी आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि मशीन हैज़ 2 points out of 12 फॉर लाइटनिंग। देखिए टोटल जो पॉइंट्स हैं लाइटनिंग पॉइंट्स वो 12 हैं, लेकिन मशीन एक्स के लिए जो यूज़ किए गए हैं वो सिर्फ 2 है, तो मशीन एक्स के लिए कंप्यूट कर रहे हैं, तो लाइटनिंग पॉइंट्स के लिए जो आपका अमाउंट चार्ज होगा वो 2 से गिर, 300 मल्टीप्लाइड बाय कितने पॉइंट्स यूज़ किए हैं, 2 पॉइंट्स यूज़ किए हैं, टोटल कितने पॉइंट्स थे, 12 पॉइंट्स थे, तो इससे हमें पता चलेगा कि मशीन एक्स ने कितनी लाइटनिंग का इस्तेमाल किया है। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ये आपका आएगा 50, तो ये आपका 50 आ चुका है। इसी के साथ हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आप निकालेंगे, इन सब का आप टोटल कर दीजिए, इन सब का टोटल करके आपका आएगा 6950, ये आपका टोटल आएगा। अब ये जो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस निकले हैं आपके, ठीक है, ये आपके पर आर में हमें कन्वर्ट करने होंगे, तो पर आर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए नंबर ऑफ मशीन पर आर पर एनम में पर आर जो मशीन काम कर रही है वो 1800 है, ठीक है, तो आप इसे कन्वर्ट करने के लिए 1800 से डिवाइड कर देंगे। स्टैंडिंग चार्जेस पर आर, स्टैंडिंग चार्जेस पर आर कितने होंगे, देखिए ये आपका आया था 6950, और यहाँ पे देखिए ये जो नंबर ऑफ मशीन आर पर एनम है ये 1800 है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय आप 1800 कीजिएगा, 1800 से डिवाइड करते ही ये आपका आ जाएगा 3.86। चलिए तो स्टैंडिंग चार्जेस तो हमारे निकल चुके हैं, अब हम निकालेंगे वेरिएबल चार्जेस या फिर रनिंग चार्जेस, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। वेरिएबल चार्जेस में देख लीजिए, सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। देखिए जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है इसको हम माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ मशीनरी में से 15,000 आपकी मशीनरी की कॉस्ट है, इसमें से आप माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू को, तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर दीजिए एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ से। एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ है इसकी 10 ईयर्स, देखिए इसकी एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ है 10 ईयर्स, और इसको हम जब आर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1800 से, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ मशीनरी को माइनस कर दिया स्क्रैप वैल्यू से, डिवाइड कर दिया आपने
एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ से, क्योंकि हमें इसे आवर्स में कन्वर्ट करना है. मशीन पर आर 1800 चला है तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 1800 से. और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी 0.78. रिपेयर्स अब देख लेते हैं. देखिए रिपेयर्स आपका फॉर द एंटायर लाइफ दिए हुए हैं, 5000 दिया हुआ है. लेकिन हमें एंटायर लाइफ का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उतना ही चाहिए जितनी लाइफ में मशीन चलेगी. और मशीन की जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो आपको दी हुई थी 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स से डिवाइड कर दीजिए और इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1800 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.28. चलिए उसके बाद लास्ट आपका क्या है, पावर. अब पावर जो है यहाँ पे हमें पावर के बारे में देखिए, पावर जो है 20 यूनिट से रखी है और 250 इसका पर यूनिट है. लेकिन हमें ये नहीं गिवन है कि ये पावर पर आर है या पर मंथ है. अगर पर मंथ लिखा होता तो हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करते, पर आर लिखा होता तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करते. बट हमें कुछ भी नहीं गिवन है कि ये पर आर है या पर मंथ है, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको पर आर भी ले सकते हैं और पर मंथ भी ले सकते हैं. दोनों में आंसर जो होगा वो डिफरेंट होगा. तो पर आर लीजिए या पर मंथ लीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि 20 यूनिट्स पर मंथ में तो नहीं हो सकता, तो 20 यूनिट्स पर आर में खर्च हुआ है. ठीक है, तो 20 यूनिट्स पर आर अगर देखें तो 20 × 2.50, क्योंकि हमने इसे पर आर लिया है तो इसे आर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए 1800 से डिवाइड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो अब यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 50. तो अब हमको क्या निकालना है, टोटल वेरिएबल चार्जेस. तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं टोटल वेरिएबल चार्जेस. इन सभी को आप प्लस कर देंगे, इन सबको प्लस करके आपका आएगा 51.06. अब ये हमारा निकला है टोटल वेरिएबल चार्जेस. अभी जो टोटल वेरिएबल चार्जेस है और टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है इनको प्लस करके आपका जो आता है आपका टोटल चार्जेस आता है, और उसके बाद आपको उसे डिवाइड करना होता है आर से. लेकिन आर से तो हम पहले ही डिवाइड कर चुके हैं, इसलिए हमें लास्ट में आर से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख देते हैं मशीन आर रेट, क्योंकि अब इसको और इसको प्लस करके डायरेक्ट आपका मशीन रेट आ जाएगा. आपको डिवाइड करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि डिवाइड हम पहले से ही कर चुके हैं, यहाँ पर भी हर जगह पे. तो इन दोनों को प्लस करके जो आपका आंसर आएगा दैट आंसर विल बी 54.92. और इसी के साथ आपका क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है और मशीन आर रेट आ चुका है 54.92. तो इसी के साथ क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो चुका है. आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कोई चीज़ आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स पे बताइए और मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी. और फर्दर मैं आपके लिए ऐसी शॉर्ट वीडियोज़ लाती रहूँगी. थैंक यू.